ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ JNU न्यू रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। तो चलिए आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट्स लेकर के आता रहूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और मैं आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दे देता हूं, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JNU बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की है। नंबर ऑफ वैकेंसी 97 है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पद 97 वैकेंसीज के लिए निकाली गई है। पे स्केल 57,700 रुपए से लेकर 1,82,400 रुपए पर मंथ आपको दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाने के बाद मैक्सिमम सैलरी जो दी जाएगी वो 1,82,400 रुपए पर मंथ होगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप चेक कर सकते हो। जॉब लोकेशन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इंडिया, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग JNU न्यू दिल्ली के अंदर होगी। JNU ऑफिशियल वेबसाइट JNU.ac.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आवेदकों के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास मास्टर डिग्री विद NET, SLET या फिर SET की योग्यता या इसके बराबर कोई और योग्यता है तो आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जानकारी चाहिए तो आप अभी वीडियो देखते रहिए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। एज लिमिट, दोस्तों एज लिमिट के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसकी आयु सीमा 18 या 21 साल से लेकर 55 साल के बीच में है, वो लोग इसमें इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाओगे, ऑफलाइन माध्यम से आप आवेदन नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट डेट्स, दोस्तों इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2019 है शाम 5:30 बजे तक, यानी कि आपको अपना फॉर्म 29 अप्रैल 2019 शाम 5:30 बजे से पहले ही सबमिट करना होगा, इसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप आवेदन कैसे कर पाओगे। दोस्तों, आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है JNU.ac.in। इसके बाद आपको करियर सेक्शन पर जाना है और वहां से आपको पहले तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद अगर आप सारी एलिजिबिलिटी मैच करते हो, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है और उस पेज पर चले जाना है जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है, और आपको अपने फॉर्म के अंदर सभी जानकारी भर देनी है जो कि वहां पर मांगी गई हो। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। इसके बाद अगर आपसे एप्लीकेशन फीस मांगी जाती है तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस देनी है, और लास्टली बस आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फोटो कॉपी जरूर ले लें जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगी। अब दोस्तों, मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है या उसको रीड करना है तो डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक दे रहा हूँ और साथ ही साथ आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज किया गया। आप यहाँ पर पोस्ट नेम देख सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, और कैटेगरी वाइज भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। SC के लिए इसमें 14 पद है, ST के लिए 8 पद है, EWS के लिए 10 है, OBC कैटेगरी के लिए 26 पद है, PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको हिंदी में विकलांग बोलते हैं कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 पद है, 36 UR कैटेगरी के लिए 36 पद है, जो कि कुल मिलाकर के हो जाते हैं 97 पद। अब यहाँ पर एज इंटेल, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको इनमें से अगर आपके पास जो जानकारी मांगी गई है वो होनी चाहिए तभी आप इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो, और जो आपके पास मास्टर डिग्री हो उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स प्राप्त किए गए हो। और यहाँ पर और जानकारी दी गई है, दी फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशन इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न, यानी कि जो आप कुछ योग्यता मांगी गई है इसको एक बहुत अच्छी तरीके से डीन या फिर रजिस्ट्रार की तरफ से चेक किया जाएगा। आपको यहाँ पर और जानकारी बताई गई नोट करके, तो आप इस जानकारी को भी रीड कर सकते हो। ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जो कि शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर एप्लीकेशन फी और जो सिलेक्शन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वैसे आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, और ये एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है, और जो आवेदन शुरुआत होने की तिथि है वो भी यहाँ पर आपको बताई गई है। सॉरी, शुरुआत करने की तिथि आप यहाँ पर नहीं बताई गई, यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तिथि बताई गई है।
एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 29 अप्रैल 2019 शाम 5:30 बजे। आप यहाँ पर देख सकते हो जानकारी बोल्ड अक्षरों में दी गई है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU भर्ती 2019 के बारे में। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है जो इसमें मांगी गई है तो आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो, या फिर आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना हो या आपको कोई चैनल से जुड़ा हुआ सुझाव देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले क्योंकि उससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।